जिसका जन्म होता है उसका मरना भी होता है परंतु कृष्ण जी ने जब बालक रूप से जन्म लिया तो क्या उनके शरीर की भी मृत्यु हुई या नहीं देखिए अब फिर भावना से अगर जब हम कहते हैं ना भावना से चले पुराण की दृष्टि से चले तो वो कहते जन्म नहीं हुआ था वो तो प्रकट हुए थे और फिर एक दिन वो विलीन हो गए माने वो अपने धाम को चले गए एक तरीका यह है कहने का प्रकट हुए और वो अपने धाम को चले गए इसलिए उसको जन्म और मरण नहीं कह सकते लेकिन अगर आप भगवत गीता उठाते हैं तो उसमें श्री कृष्ण दोनों तरह की बात करते हैं उसमें एक बात वो ये भी कहते हैं जैसे कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं और अर्जुन तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं तुझे याद नहीं और मुझे याद राइट right? तो जब जन्म होगा तो शरीर उन पंचभूतों में विलीन भी, भी तो होगा ना सो so, ये कहने में कोई दो राय नहीं जिन पंचभूतों के समंदर में एक लहर उठी देह बनी उसी पंचभूत में एक दिन वो लहर जो है वो देह जो है वो विलीन हो गई और श्री कृष्ण वो तो स्वयं में अजन्मा थे अजन्मा हैं और दूसरी बात यह है कि जैसे आप यूँ जानिए कि ये थोड़ी सी चीज़ जल्दी समझ नहीं आएगी पर विभूति पाद में पतंजलि के ये बात उन्होंने कही है कि जो योग की श्रेष्ठतम शक्तियाँ जिसके पास आ जाती हैं वो नई सृष्टि सृजन करने की भी ताकत रखता है मतलब एक नया शरीर बनाने और उस शरीर को पंच तत्व में लीन करने का आउट ऑफ जिसको आप कहोगे ना आउट ऑफ नो वेयर द बॉडी इज देयर दिस वेरी मच पॉसिबल तो उसमें हमको कोई मुझे तो कोई उसमें हैरानी नहीं होती पर चूंकि बहुत फिजिकल जो बुद्धि के लोग हैं उनको इतना ही समझ लगता है आसान भी लगता है ये समझ लेना ये दूसरी चीज़ जो योग वाली है ना ये जल्दी समझ भी नहीं आती जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हो और आपके पास टेक्नोलॉजी हो तो आप वो चीज बना सकते हो पर अगर टेक्नोलॉजी नहीं है इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे तो विभूति पाद इसके एक बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल जो है वो दे देता है कि योगी क्या क्या कर सकता है और याद रहे श्री कृष्ण को हम योगेश्वर कहते तो योग की दृष्टि से श्री कृष्ण योग की उच्चतम शक्तियों के साथ ही शरीर धारण किए थे तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं कुछ भी असंभव नहीं चूंकि कुछ भी असंभव नहीं इसलिए हम उनको ईश्वर कहते हैं। आर्य समाज की दृष्टिकोण थोड़ी अलग है आर्य समाज अवतारवाद नहीं मानता है वो कहते हैं सब प्रकृति के द्वारा ही शरीर जन्मते हैं और प्रकृति के अनुसार शरीर मरते हैं वो श्री राम का हो कि चाहे श्री कृष्ण का हो तो आर्य समाज ये कहता है चूंकि वो अवतारवाद नहीं मानता चूंकि वो ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानता है चूंकि वो ईश्वर को सरगुण साकार नहीं मानता इसलिए वो बिल्कुल सिरे से इस बात को नकार देते हैं लेकिन जो पुराण को जानता है श्रद्धा से पढ़ता है उसका श्रीमदभागवत में भाव है तो उनकी दृष्टि से वो अपने इच्छा से शरीर बनाया और स्व इच्छा से शरीर को उसी माया में लीन किया भगवान उसमें कहते भी हैं गीता में कि ये जो तुम देह मेरे सामने देख रहे हो ये तो माया रचित है पर मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूँ पर उसके दो अर्थ आते हैं एक ये कि वो ईश्वर हैं और दूसरा ये कि हर आत्मा अशरीरी ईश्वर सब भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्टती हर हृदय में आत्म रूप होकर के भगवान कहते हैं वही तो है और वो मैं ही तो हूँ अब ये वेदांत का जो उच्चतम ज्ञान है वो उस तल की बात हो जाती सो ईश्वर का अवतार माने तो माया से शरीर बनाया माया में लीन कर दिया कोई बड़ी बात नहीं आ, जैसे इस समय पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है जैसे रोबोट बना लिया इन्होंने अभी उसको एक ह्यूमन फेस दे दिया इन्होंने, राइट? नाउ दे टू वर्क ऑन मेटा ह्यूमन माने वो देखने में बिल्कुल मनुष्य लगेगा बट एक्चुअली वो रोबोट होगा अब उसकी क्रिएशन किसी साइंटिस्ट ने करनी है माने ये ये एक सिर्फ Uh, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक फ्लूक आइडिया ये एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर बहुत मेहनत हो रही है और संभव है कि आने वाले समय में कब मैं नहीं कह सकती हूँ पर आने वाले समय में कुछ ऐसी रोबोट्स की मेटा ह्यूमंस की आर्मी खड़ी कर दी जाएगी कि मनुष्य खुद लड़ने नहीं जाएंगे वो इनको भेज देंगे जाओ क्योंकि वो इंजर पिंजर ही तो है टूट फूट जाए तो टूट फूट जाए और बना लेंगे क्या दिक्कत होगी उसे कहते मेटा ह्यूमन इट्स नॉट अ साइंस फिक्शन सम थिंग्स आर रियली बीइंग वर्कड अपॉन सम थिंग्स आर आर प्रोग्रेसिंग ग्रेटली सम थिंग्स विल बी पॉसिबल फॉर आस टू सी एंड मे बी नॉट बट विभूति पात जो है ना वो योग की जिन विभूति माने शक्तियां जिन शक्तियों की बात विभूति पात करता है वो सारी की सारी श्री कृष्ण में है इसलिए उसके लिए कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं असंभव लेकिन अगर हम आर्य समाज की दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं कि वो महापुरुष थे अवतार नहीं थे क्योंकि वो अवतार मानते नहीं दो है ना एक साकारवादी है एक निराकारवादी है एक कहेंगे वो सिर्फ साकार है एक नहीं निराकार है और वेदांत कहता है सच्चिदानंद पर ब्रह्म वही सत्याधारा रूप से बाकी सब नाम रूपात्मक मिथ्या अनिर्वचनीय दर्शन दे रहा है सब कुछ